हेलो ब्रो, मेरा नाम है अब्दुल, आप देख रहे हैं मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे एटीएम ट्रांजैक्शन के रूल्स के बारे में, जो अभी आरबीआई ने रिसेंट में ही रूल्स लागू किया। रूल्स पहले भी था लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन किया गया, मतलब आपको बताया गया सही तरीके से। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि कैसे आप एटीएम के चार्जेस कटेंगे। जैसे आप जानते होंगे एटीएम से इस्तेमाल करने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते थे, उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते थे। बहुत लोगों को पता नहीं था कि कैश निकालेंगे तो ये ट्रांजेक्शन काउंट होगा, या फिर पिन सेट करते हैं तब भी काउंट होता है, या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो काउंट होता है या नहीं होता है, या फिर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन एटीएम से जाकर करते हैं तो वो काउंट होता है या नहीं होता है। क्योंकि पहले जो 2014 से पहले की बात करें, 13-12 की बात करें, तो वहाँ पर जो पहले कोई भी एटीएम से आप पैसे निकाल सकते थे, कोई भी रूल्स नहीं था कि कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। किसी भी एटीएम से जाकर आप पैसे निकाल सकते थे, कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई थी 5 ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन की। लेकिन इससे हो क्या रहा था कि अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है, आप दूसरे एटीएम से जाकर कैश निकाल रहे हैं, तो उस बैंक को थोड़ा सा लॉस हो जाता था, क्योंकि उनको चार्जेस चुकाने पड़ते थे उस ट्रांजेक्शन के जो आप कस्टमर आपके कर रहे हैं। तो आरबीआई ने इसके लिए एक नया रूल्स लाया, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो बैंक को घाटा लग रहा था। तो आरबीआई ने नया रूल्स लागू किया 2013 में, शायद कंफर्म मैं नहीं हूँ। 2013 में रूल्स आया कि आप 5 ट्रांजेक्शन मिनिमम कर सकते हैं। अगर एसबीआई के आप अकाउंट होल्डर हैं, एसबीआई के एटीएम से ही कैश निकालते हैं तो 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर अदर एटीएम में करते हैं तो भी आप 5 ट्रांजेक्शन आपको मिलता है फ्री एक मंथ के अंदर। इसमें होता क्या था कि अगर आप पिन सेट कर लिए, या फिर ट्रांजेक्शन आपका फेल्ड हो गया, या फिर ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गया, कभी कभी होता है एटीएम में लाइट कट जाती है, ये सब प्रॉब्लम आ जाता है, और ट्रांजेक्शन आपका 2-3 बार कार्ड स्वाइप हो जाता है, तो उसमें भी ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता था आपका। तो जो मंथ में आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिले हैं वो भी काउंट हो जाते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इसी से रिलेटेड आरबीआई ने एक कन्फर्म रेक्टिफिकेशन दे दिया है, जो आपको कभी भी क्लियर हो रहेगा, आपको कोई एजिटेशन नहीं आएगा। तो स्टूडियो में क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे क्या क्या रूल्स है, और व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में बताया गया, और ये दोनों एटीएम क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। तो आरबीआई की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया, अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपके ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होगा। आपके फ्री ट्रांजेक्शन जो दिए जा रहे थे पहले, उसमें चेंजिंग नहीं किया गया, वो 5 ट्रांजेक्शन ही है मिनिमम आरबीआई की तरफ से। लेकिन अकॉर्डिंग टू बैंक ये चेंज भी होते रहता, लेकिन हर बैंक को 5 मिनिमम फ्री ट्रांजेक्शन देने ही है, क्योंकि आरबीआई का रूल है। बाकी बैंक चेंज भी कर सकते हैं, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बैंक ज़्यादा दे सकती है, लेकिन मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन फ्री देने। अगर आप सेम बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कि सेम बैंक, अगर आपका HDFC का अकाउंट है, HDFC से ATM से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री दिए जाते हैं। और अगर दूसरे सिटीज़ या दूसरे बैंक से ATM से पैसे निकालते हैं तो उसमें भी आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री दिए जाते हैं। ये सिर्फ मेट्रो सिटी को छोड़कर, मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शन है, जो कि आप दूसरे ATM से निकालते हैं तो 3 ट्रांजेक्शन है, लेकिन बाकी सिटीज़ के लिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है। इसमें चेंजिंग ये किया गया, पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही काउंट हो जाते थे। तो उस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, तो जो कि आपका लेन देन वाला चीज़ नहीं हुआ, जिसमें ट्रांजेक्शन आप फाइनेंस कैश का काम नहीं हुआ। क्योंकि आप जैसे ATM गए, आपने पिन सेट किया, या फिर आपने मिनी स्टेटमेंट चेक किया, या चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया, तो ये सब भी पहले काउंट हो जाता था। तो इसको आप नॉन फाइनेंशियल कैटेगरी में डाल दिया गया, जो कि इसमें ट्रांजेक्शन में आपको काउंट नहीं किया जाएगा फ्री ट्रांजेक्शन में। और फ्री ट्रांजेक्शन में क्या क्या आएगा, अगर आप सिर्फ कैश निकालते हैं, या कैश निकालते हैं या डालते हैं, दोनों प्रॉब्लम बात आती है कि बहुत सारे ATM में कैश डालने का फैसिलिटीज आएगा, डिपॉजिट करने का, तो वो भी आपका फ्री ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। तो टोटल 5 फ्री ट्रांजेक्शन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और अदर ATM में कर दें तो वो भी 5 ट्रांजेक्शन है, तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अब काउंट नहीं होगा, अगर पिन सेट करते हैं या लाइट कट जाती है ATM में, या कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, आपने कार्ड स्वाइप कर लिया तो कोई इशू नहीं है, वो अब ट्रांजेक्शन फ्री ट्रांजेक्शन में नहीं काउंट होगा, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसमें कोई भी आपको चार्जेस वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप 5 ट्रांजेक्शन कैश में कर लेते हैं तो उसके बाद क्या चार्जेस होंगे, तो 20 रुपीज़ बैंक मिनिमम काट सकती है। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, कभी लिंक 20 से ज़्यादा नहीं काटेगी कोई बैंक, क्योंकि RBI का रूल्स है 20 मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि बैंक के ऊपर पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये रूल है। उसके बाद रूल लाया गया है ब्राउन लेवल के बारे में। तो व्हाइट लेवल और ब्राउन लेवल ATM क्या, आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको कुछ यूनिक लग रहा हो, नहीं कुछ यूनिक इसमें नहीं है। व्हाइट लेवल ऐसा ATM है जो कि अदर एंटिटी के द्वारा चलाया जाता है, मीन्स होता है कि आप वो बैंक नहीं है लेकिन उसका ATM, जैसे मथुत फाइनेंस का आपने ATM देखा होगा, इंडी कैश का ATM देखा होगा, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, तो वो सब ATM जो है थर्ड पार्टी की तरफ से चलाया जाता है, जो कि RBI से इशू करती है, कोई बैंक ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि मथुत फाइनेंस कोई बैंक नहीं है, नॉन फाइनेंशियल बैंक है, और जैसे आप इंडी कैश जो है इसका भी बैंक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इसका ATM आप बहुत जगह देखते होंगे। तो ये कहलाता है व्हाइट लेवल ATM। तो इसमें भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो सेम रूल जैसा मैंने पहले बताया वही रूल्स हैं, इसके लिए भी लागू किया गया। बात आता है ब्राउन लेवल ATM। तो ब्राउन लेवल ATM भी बिल्कुल जो रेगुलर ATM होते हैं, जैसे आप SBI का ATM देखते हैं, और वैसे ही ब्राउन लेवल ATM होते हैं, सिर्फ अंदर से इनडायरेक्टली वे में कनेक्शन होता है। क्योंकि होता है कि SBI को कोई ब्रांच
आपका अर्बन सिटी में है, उसे अपना एटीएम लगाना है रूरल एरिया में जैसे गांव में है, तो थर्ड पार्टी किसी को दे देती है एटीएम लगाने के लिए, वो सारा चीज़ देखती है। तो वैसे एटीएम को कहा गया है ब्राउन लेवल एटीएम, जो कि लोगों तो सारा चीज़ एटीएम बैंक का ही रहेगा जो एसबीआई है सारा चीज़, लेकिन उसको ऑपरेट कोई और करेगा थर्ड पर्सन जिसको बैंक वो देती है। आरबीआई से ऐसा कोई लेना देना नहीं, आरबीआई किसी वाइट लेवल एटीएम को देखती है, बाकी से ब्राउन लेवल एटीएम है जो कि एसबीआई या कोई भी बैंक इशू करती है तो वही देखती है, उसी के अंडर में आता है वो, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको थर्ड पार्टी वो चुनती है अपने एटीएम लगाने के लिए। तो यही है ब्राउन लेवल व्हाइट लेवल एटीएम। उम्मीद है कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, व्हाइट लेवल एटीएम क्या, ब्राउन लेवल एटीएम क्या, और एटीएम ट्रांजैक्शंस के रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी, मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप बिना एटीएम कार्ड के भी पैसे निकालना चाहते हैं तो आप एसबीआई ने नया योनो एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसके यूज़ कर आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लें। इससे होगा कि आपका एटीएम से भी आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं या आपका जितना भी लिमिट है एक मंथ के अंदर, उसके बाद योनो कैश से भी आप निकाल लेंगे तो ये काउंट नहीं होता। योनो कैश अलग है और एटीएम ट्रांजेक्शन का रूल्स अलग है, तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें HDFC में भी आप बिना ATM के पैसे निकाल सकते हैं, मैंने उस पर वीडियोस बना दिए हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन आप एक बार कर लेंगे तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली आप उसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका कोई भी क्वेश्चन और सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।